मेरा एक ही चीज़ है कि जो यहाँ पर एक शांति और अमन का माहौल है और उसको बनाने में पुलिस से ज़्यादा यहाँ के लोगों का योगदान है, यहाँ के लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि देखिए, अमन आपकी है और आप ही इसको रखते हैं, हम उसको संभालने में, सहेजने में हम आपकी केवल मदद करते हैं। बस इतनी ही हमारी भूमिका है, इतनी ही हमारी जिम्मेदारी है। और मैं मीडिया के माध्यम से यहाँ के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़े ही अमन के साथ, बड़े ही एक मित्रता के साथ, दोस्ती के साथ गणेश, मुहर्रम सब कुछ हो गया। अब हम लोगों को फिर एक नए, हर साल का कैलेंडर 1 जनवरी के बाद फिर नया साल शुरू होता है, तो हमको फिर नए साल की तरफ चलना है और हम लोग मिलजुल के साथ चलें। मैं नया आया हूँ लेकिन पुलिस तो पुरानी है, पुलिस का तौर तरीका भी पुराना है। इसीलिए जो अच्छी चीज़ें पुलिस के तरफ से आपको, जो अच्छे ख्याल आपके दिल में हैं, उनको बनाए रखें और जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ इम्प्रूवमेंट बेस्ड होता है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। तो हम अपने सर्विसेज में जो भी इम्प्रूवमेंट लाने की हमको ज़रूरत महसूस होगी आपके तरफ से या किसी और फीडबैक की जानिब से, हम उसको लाएंगे। और किसी को भी मेरे पास या पुलिस के किसी भी अधिकारी के पास आने में, पुलिस स्टेशन आने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। और एक एलियान हैदराबाद की तरफ से एक सोच बनी हुई है कि जिस तरीके से DCP सत्यनारायण साहब जब थे तो उसमें कार्डन सर्च और चबूतरा मशीन और कुछ ऐसे फलाही काम भी होते थे, मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स के लिए बढ़ावा और कुछ पुराने मुजरिमिन को माफ़ी देने का, जो 5 साल से ज़्यादा अगर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा तो उनको, तो क्या आप ये चीज़ों को फॉलोअप करते रहेंगे सर, उसको आगे जारी रखेंगे? जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस एक सिस्टम है, इसमें हर अधिकारी, हर ऑफिसर आता है, वो अपनी समझदारी से उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाता है, जो अच्छी चीज़ें चल रही हैं उनको और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। मैं भी वही करूंगा, जो चीज़ें चल रही हैं, जिनसे पब्लिक का लाभ है, उनको फ़ायदा है, जिनसे उनको खुशी मिल रही है और हमारे मकसद में भी हमको मदद मिल रहा है। क्योंकि पुलिस का जो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि अमन और शांति बहाल बनाए रखें, तो हमको अपने काम में भी मदद मिल रही है, निश्चित रूप से हम उसको करते रहेंगे आगे भी और बेहतर तरीके से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा सवाल ये है, जो यहाँ पर जो दिखाई दी है आपने, उससे वापस हो गए तो वो चीज़ जो डीजे और बैंड वगैरह का जो बैंड था तो उसी तरीके से देखिए, साउंड सिस्टम का बैंड सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया गया है और हर जगह पर इसके तामील की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। जो भी हमारे पास जिम्मेदारी है कानून के तरफ से, उसका हम निश्चित रूप से सख्ती से अमल करेंगे। काफ़ी लोग एक सोचते हैं कि वो जो डिसीजन इतना मोहब्बत से चले, आपको कैसा लगता है कि सोच रहा? देखिए, मैं अपने आपको खुशमत मानता हूँ कि इस जगह पर खड़े होने का और यहाँ के लोकल ऑफिसर से बात करने का मुझे मौका मिला। मैं ये समझता हूँ कि मेरी खुशी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है कि लोग मेरे से खुश हों, मैं उसके लिए काम करता हूँ। थैंक यू। हेलो, राइट, हेलो, ये ऊपर कलर आउट कहीं करे बाबा पहले ना। हेलो हेलो, Beep.